हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर एन केस किचन। अगर आप बनाना चाहते हैं घर में बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मुलायम सेव, वो भी बिल्कुल कम सामान में, बिना बेकिंग सोडा, बिना बेकिंग पाउडर के, तो ये रेसिपी बिल्कुल आपके लिए है फ्रेंड्स। कई बार हमें घर पे सेव बनाने का बहुत मन करता है, बाजार के खाने के बजाय हम घर पे बनाना पसंद करते हैं। तो ये रेसिपी कैसे बनाते हैं, चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। मैंने यहाँ पे लिया है 2 कप बेसन, इसको मैं पहले छान लूँगी। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बेसन को छान के यूज़ करें। अब मैं इसमें डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक, और यहाँ जाएगा 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, और साथ में डाल रही हूँ 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। फ्रेंड्स, यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ, और यहाँ डाला है मैंने 2 टेबलस्पून तेल, जिसको मैंने गर्म कर लिया है। ये इम्पॉर्टेंट टिप है, एक सीक्रेट टिप है, जब आप सेव बना रहे हैं तो जब उसमें तेल का मोयंज डाल रहे हो तो उसे आप गर्म करके डालें। इसके डालने से आपकी जो सेव है वो बहुत ही अंदर से मुलायम बनेगी, सॉफ्ट बनेगी। तो तेल और मसाले डालने के बाद हमने बेसन को अच्छे से मिक्स किया। अब मैं पानी डाल के इस बेसन को तैयार कर रही हूँ, तो बिल्कुल थोड़ा सा पानी जाएगा, और आप देख रहे हैं कितना पानी मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। बिल्कुल थोड़े थोड़े अमाउंट में पानी डालें और बेसन को इस तरह से हम लोग मिक्स कर लेंगे। तो मैंने बहुत कम पानी यहाँ इस्तेमाल किया है, आप देख सकते हैं इस तरह का। अगर बैटर आपका तैयार हो जाता है, इसका मतलब ये रेडी है। अब हमें क्या करना है, एक दूसरा टिप मैं बता रही हूँ फ्रेंड्स, इसको अच्छे से फेंटना है। आप देख रहे हैं मैं किस तरह से इसको मसल रही हूँ, और अगर आपके हाथों में चिपकता है थोड़ा सा तेल ले लें और उसको फिर से आप इसको मसलें। तो इस बेसन को आप जितना मसलेंगे हाथ से, देखिए कुछ देर मैंने इसको मसला है और ये बिल्कुल चिकना हो गया है। तो इस तरह इस फॉर्म में लाने तक आपको उसको मसलना है। थोड़ा सा तेल इस्तेमाल कर रहे हैं, कर लें अगर वो चिपकता है तो। तो बेसन हमारा रेडी है, मैंने यहाँ ले ली है सेव बनाने की मशीन। तो मैं यहाँ बना रही हूँ थोड़ी मोटी वाली सेव। तो तेल से पहले मैंने इसको ग्रीस कर लिया है, और इस तरह से हम लोग इसको फिट कर देंगे, जो मशीन हमने ली है सेव बनाने की। और जो आटा हमने तैयार किया है ये मैं इसमें डाल दूंगी, और अच्छे से दबा के हम इस मशीन को बंद कर देंगे। और तलते वक्त हमें ध्यान रखना है कि तेल बहुत गर्म होना चाहिए। तो तेल मैंने ऑलरेडी गर्म करने रख दिया है फ्रेंड्स, हम चेक कर लेते। देखिए अच्छे से तेल गर्म है, अब हम इसमें सेव डालेंगे। यहाँ आपकी फ्लेम हाई होनी चाहिए, जब भी आप सेव बना रहे हैं गैस की फ्लेम आप तेज रखें। और देखिए मैं जैसे ही सेव डाली है इसमें अच्छे से बबल हो रहे हैं, हमें यहाँ बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है जब तक कि थोड़े बबल्स कम नहीं हो जाते। और जैसे ही थोड़े बबल्स कम होते हैं उसके बाद ही हम इनको पलटेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं मैंने इनको बिल्कुल हाथ नहीं लगाया है, अब बबल्स काफ़ी कम होने लग गए हैं। तो जैसे ही देखें आप बबल्स कम हो रहे हैं, उसके बाद आप इसको चम्मच की सहायता से या कलची की सहायता से पलट लें। और बहुत ज़्यादा हमें इनको नहीं तलना होता है, कुछ ही देर में ये बिल्कुल तल के तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ बहुत ज़्यादा हम इनको फ्राई नहीं करेंगे। देखिए फ्रेंड्स ये बिल्कुल तैयार है, अच्छे से फ्राई हो गई हैं। तो इसी तरह से बाकी के सेव भी हम तैयार करेंगे। तेल गर्म होना चाहिए, हाई फ्लेम पे ही हमें सेव को तलना है। और बबल्स आप देख रहे हैं, हाथ नहीं लगाएंगे बिल्कुल भी जब तक ये बबल्स एकदम थोड़े कम नहीं हो जाते। तो बबल्स जैसे शांत होते हैं उसके बाद ही हम इनको पलटेंगे। तो दूसरी तरफ से भी हम इसको अच्छे से तल लेंगे। तो फ्रेंड्स है बहुत सिंपल ये रेसिपी है, यहाँ ना मैंने सोडा का इस्तेमाल किया ना ही बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल किया है, फिर भी ये बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मुलायम अंदर से सेव बनेगी। बाहर से क्रिस्पी, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट। तो अगर आप भी चाहते हैं ऐसे इस तरह की सेव अपने घर पे बनाना, तो रेसिपी अपने घर पे जरूर ट्राई करिएगा, और सबको बहुत पसंद आएगी, खासकर बच्चों को ये बहुत पसंद आती है। तो बाहर से मार्केट की सेव लेने के बजाय आप इसे अपने घर पे बनाना पसंद करें, और जो रेसिपी मैंने आपको बताया, जो टिप मैंने बताए हैं वो आप उनको फॉलो करें। बिल्कुल आपकी सेव बहुत ही सॉफ्ट मुलायम बनेगी और सब इसको पसंद करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स सेव तैयार है, इस तरह से हम लोग सारी सेव तल के तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स कितनी सॉफ्ट ये सेव बनी है मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए मैंने इसको तोड़ के मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही इजीली ये टूट रही है, आप देख सकते हैं। देखिए, और जैसे आप इसको हाथ में लेंगे बिल्कुल सॉफ्ट सी, आपको लगेगा ही नहीं कि आपने ये घर पे बनाई है। मार्केट जैसी अगर सॉफ्ट सेव घर पे बनाना चाहते हैं, बाहर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट, तो ये रेसिपी जो मैंने आपको बताई है, मेथड मैंने आपको बताया है, फॉलो करें और अपने घर में बहुत ही बढ़िया सेव तल के तैयार करें।
तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो साथ में नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिले, और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ मेरी रेसिपीज़ को शेयर करें। तो मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक बाय बाय, थैंक यू।